बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में जो सोलर सिस्टम हम आपको दिखाने वाले हैं उन दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा कारामद साबित होगा जिनके पास कोई स्कूल है या कोई ऑफिस वगैरह है या कोई शॉप है जो सिर्फ दिन टाइम ऑपरेट होती है या कोई गोदाम वगैरह है दिन टाइम सिर्फ पंखे अगर चलाना चाहते हैं और ये इन्वर्टर और बैटरियों के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो ऐसे दोस्तों के लिए आज का सिस्टम बहुत ही कारामद साबित होगा। तो सब डिटेल देखने के लिए कि इस पे कितनी लागत आएगी, क्या क्या चीज़ लगी हुई है, कैसे वर्क कर रही है और स्पेशली जो पंखे हमने लगाए हैं वो कितना करंट ले रहे हैं, ये सब देखने के लिए आज की वीडियो ये आपने लॉस तक देखनी है। दोस्तों, ये सिस्टम हमने एक डेयरी फार्म में लगाया है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल 8 पंखे हमने सोलर पे चलाए हैं। ये 8 के 8 फैन डायरेक्ट सोलर पे चल रहे हैं क्योंकि डेयरी फार्म में सिर्फ दिन टाइम ज़रूरत थी, रात को इनको पंखों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर ये सिस्टम लगाया गया। पंखे यहाँ पर हमने चैम्पियन फ़ैन के लगाए हैं। आपको पता है कि चैम्पियन फ़ैन एक बहुत अच्छा ब्रांड है और इनके फ़ैन रिलायबल होते हैं। और सोलर पैनल की बात करें तो यहाँ पे हमने टोटल 5 सोलर पैनल यूज़ किए हैं 150 वाट के, और सोलर पैनल हमने सन लाइफ के यूज़ किए हैं। सन लाइफ एक बहुत अच्छा ब्रांड है, पाकिस्तान में ही ये पैनल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। क्योंकि छोटे पैनल जो हैं ये जिनको लॉन्जी ट्रीना या इन कंपनीज़ के नहीं आते, तो इसलिए जो अच्छा पैनल अवेलेबल था सन लाइफ का वो हमने यहाँ पे लगाए हैं। सोलर पैनल की फिक्सिंग आप देख सकते हैं, गैल्वनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया है, फिक्स स्ट्रक्चर है और इसको कंक्रीट ब्लॉक के ज़रिए जो हमने फिक्स किया है ताकि तेज़ हवा से ये पैनल उड़े ना और टूट फूट का शिकार ना हो। और इसके बाद आप ये वायरिंग देख सकते हैं कि प्रॉपर पाइपिंग के ज़रिए हम वायर को नीचे लेके गए हैं, और नीचे जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक सर्किट ब्रेकर यूज़ किया है कि अगर इन पंखों की पावर ऑफ़ करनी हो, कोई पंखा चेंज करना हो, कोई इशू हो, तो सर्किट ब्रेकर को ऑफ़ करें तो सब पंखों की पावर कट हो जाएगी। बाकी जो है ये रिमोट कंट्रोल फ़ैन होते हैं तो हर पंखे के साथ अपना रिमोट है। फ़िलहाल हमने एक ही रिमोट सब पंखों के साथ कनेक्ट किया है, तो अगर आप हर पंखे का सेपरेट रिमोट यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसी जगह जहाँ पे स्पेशली जो स्कूल हैं, क्योंकि स्कूल जो है 3 बजे तक पावर चाहिए होती है, या शॉप्स हैं या गोदाम होते हैं, तो वहाँ पे जो है ऐसा सिस्टम बहुत कारआमद साबित होता है। तो अगर आप सिस्टम लगवाएं तो कोशिश करें अच्छे पैनल यूज़ करें, अच्छे पंखे यूज़ करें, कॉपर की वायर यूज़ करें, तो आपका सिस्टम रिलायबल चलेगा, लॉन्ग लाइफ चलेगा और आपको अच्छा रिज़ल्ट। यहाँ पर अभी इस सिस्टम की टोटल कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ, इस वक्त जो इस पे कॉस्ट आई है। यहाँ पे टोटल 8 पंखे हैं तो तकरीबन 5500 का एक पंखा है, और सोलर पैनल की इस वक्त प्राइस देखी जाए तो ये जो सन लाइफ का पैनल है इसकी अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त 8500 एक पैनल की प्राइस चल रही है। सेम इसी तरह तकरीबन 5000 का ये स्ट्रक्चर आ जाता है, 5 से 10 हज़ार इसकी जो है वायरिंग में लग गए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली ये 1 लाख के लगभग आपको सिस्टम की कॉस्ट आएगी। तो मेरा मशवरा है कि अगर आपको सिर्फ जो है दिन टाइम पंखे चलाने हैं तो लंबे झंझट में ना पड़ें कि बैटरीज लगाएं, सोलर इन्वर्टर लगाएं, तो डायरेक्ट आप सोलर पे पंखे चला सकते हैं और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। अभी मैं यहाँ पे इन पंखों का आपको करंट चेक करा देता हूँ। अभी ये मैंने 1 का बटन प्रेस किया तो 1 पे फुल स्पीड है, तो ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन 26 एम्पेयर ले रहे हैं। और अभी मैं ये 6 वाला बटन प्रेस करूँगा तो 6 पे जो है इन पंखों की लो स्पीड है, तो लो स्पीड जब हमने 6 प्रेस किया तो ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो है ये 5-6 एम्पेयर पे चल रहे थे। दोबारा 1 प्रेस किया तो अभी ये फुल स्पीड पे चले जाएंगे तो फुल स्पीड पे 27 एम्पेयर ले रहे हैं, मतलब 8 पंखे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 एम्पेयर एक पंखा ले रहा है, और डीसी पे इतना ही 3-3.5 एम्पेयर एक पंखा लेता है। दोस्तों, इन पंखों के करंट को देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम 4 सोलर पैनल भी लगा दें तो वो इन पे मोर देन सफिशेंट है,
लेकिन यहाँ पे 5 पैनल इसलिए हमने यूज़ किए हैं कि आपके जो फ़ैन हैं वो थोड़ा जल्दी ऑन हो जाएं और शाम को देर तक चलते रहें। अगर करंट की बात करें तो आप 8 पंखों के लिए 4 पैनल भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह का कोई सिस्टम हमसे लगवाना चाहें तो दिए गए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आपने अपने सिस्टम की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हमें सेंड करनी है, हम आपको उसके एस्टीमेट्स भेज देंगे और आपको सिस्टम लगा कर दे देंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने का, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।